प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी दोनों एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। दोनों में विचारधारा से लेकर जीवन शैली, भाषा शैली और पहनावे के अलावा और भी ना जाने किस किस बात में अंतर है, लेकिन इन दोनों के बीच एक बात कॉमन भी है। मोदी और राहुल के बीच कोई बात कॉमन हो सकती है? ये बात आपको हैरानी भरी लग रही होगी, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो एकदम सही है। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि मोदी और राहुल के बीच क्या बात कॉमन है, तो हम आपको बता दें, ये दोनों ही नेता गुजराती खाने की बड़ी शौकीन हैं। गुजरात में राहुल गांधी ने गुजराती खाने के लिए अपने प्यार को यूं बयां किया था। मेरी बहन मेरे घर आई, और कहती है कि ये क्या हो रहा है? तो मैंने कहा मतलब? कहती है किचन में गई, कहती है सब कुछ तुम्हारे किचन में गुजराती है, खाकरा गुजराती, अचार गुजराती, मूंगफली गुजराती। तो आपने पिछले 2 महीने में मेरी आदतें खराब कर दी हैं, मेरा वेट बढ़ता जा रहा है। राहुल कुछ महीने गुजरात में रहे और वहाँ के खाने के शौकीन बन गए हैं कि उनका वजन बढ़ने लगा है। तो सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी तो गुजरात के ही रहने वाले हैं, ऐसे में उन्हें गुजराती खाने से प्यार कैसे नहीं होगा। मोदी को गुजराती व्यंजन बेहद पसंद है। ढोकला और हांडवा मोदी के प्रिय खाने हैं। इसके अलावा मोदी चाय के साथ खांडवी खाना भी खास तौर पर पसंद करते हैं। ये तो बात मोदी और राहुल की हो गई। मोदी और राहुल के अलावा पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल भी गुजराती खाने के बड़े प्रशंसक हैं। हार्दिक को जो स्वाद गुजराती भोजन में आता है वो उन्हें किसी दूसरी जगह के भोजन में नहीं मिलता। तो मोदी, राहुल और हार्दिक चाहे राजनीतिक विरोधी हों, लेकिन जब बात गुजराती खाने की आती है तो उनके सारे मतभेद समाप्त हो जाते हैं और तीनों मानते हैं कि गुजराती खाने की तो बात ही कुछ और है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।